देखिए दोस्त, जहाज से भी तीस उतर के अभी देखिए माला पहना रहा है। इतना बड़ा माला है कि चार पांच आदमी उठे ले। मैं तो आपके बीच का रहने वाला हूँ। मैं पूरा तेजस्वी यादव अभी कुर्ता में उतरे हैं हाई स्कूल के मैदान में देता हूँ। और सभी पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि से यह गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि जो आपका एक एक वोट है वह कुमार नागेंद्र जी के बैलेट पेपर में क्रमांक एक पर अंकित है। प्रथम वरीयता का वोट दे करके और भारी से भारी मतों से जिताने का काम करिए। इन्हीं चंद बातों के साथ हो कुर्था सीट हो या जहानाबाद का या गया का भी ज्यादातर सीट जो है महागठबंधन के पक्ष में आप लोगों ने दिया है। तो देखिए आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मजबूती दी कि पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में जो महागठबंधन को वोट मिला वो 1,56,00,000 और एनडीए को मिला 1,56,12,000 वोट, वो भी बेमानी के बाद। तो मात्र अंतर जो है बेमानी के बाद भी 12,000 का अंतर है। यानी आज भी अगर 4-5 सीट कम कर दिया जाए सरकार का तो सरकार अल्पमत में आ जाए, सरकार गिर जाए। तो इतना मजबूती आप सब लोगों ने दिया। क्यों दिया? कोई तेजस्वी के नाम दिया? हमने वादा किया था। ये लोग तो चोर दरवाजे से आ गए ना सरकार। सरकार तो आपने हमारी बना दी थी। 4 बजे तक तो हम लोग जीत गए थे, बहुमत क्रॉस कर गए थे। 4 बजे के बाद काउंटिंग ने रोक दिया। जब बीजेपी के नेता लोग मुख्यमंत्री आवाज गए बड़े बड़े लोग, उसके बाद काउंटिंग रोक दी गई। फिर रात के अंधेरे में तो चोर निकलता है ना। जनादेश की चोरी हुई। जो हम 500 से 1500 से 2000 से जीते उसको कोई 12 वोट से हरा दिया, कोई 50 वोट से हरा दिया, कोई 200 वोट से हरा दिया, बैलेट रद्द कर दिया पोस्टर वाला। तो खेला तो हुआ था, लेकिन फिर भी हमने उस चुनाव में क्या आप लोगों से वादा किया? मेरा अगर पहला कलम अगर चलेगा तो 10,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देंगे। ये हमने कहा था। और हमने क्या कहा? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देंगे। जब हम बोले 10,00,000 देंगे तो नीतीश जी कहते हैं असंभव, कोई दे ही नहीं सकता। तो बीजेपी वाला बोलते हैं 19,00,000 दे देंगे। उन्हीं का पार्टनर नीतीश जी के मुंह में लग गया ताला, है ना। हम तो बताए कि हम कैसे देंगे, बताओ। 19,00,000 जब नीतीश जी देंगे, भाजपा की सरकार बोली थी देंगे, तो आज हो गया ना 1.5-2 साल। कितना लोग देखिए दोस्त, तेजस्वी यादव कितने आदमी को नौकरी देने के लिए कह रहे हैं। अगर बेईमानी नहीं हुई होती तो 10 तारीख को 10 नवंबर को 2020 में 10,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल गया होगा। कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई सिपाही बनता, कोई चपरासी बनता, कोई नर्स बनती, कोई टीचर बनता, कोई लेक्चरर बनता, प्रोफेसर बनता, कोई सपोर्टिंग स्टाफ में जाता, कोई आईटी का काम देखता। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप पूछिएगा नहीं। कहता है लोग की डबल इंजन है। हम कहते हैं बिहार में कोई सरकार नहीं चल रही है। बिहार में कोई सरकार ना चलता, फायदा खाली सर्कस होला। जाते हैं सीएम स्पीकर के घर जाता है, स्पीकर सीएम के घर जाता है, मुख्यमंत्री कहते हैं विशेष राज का दर्जा चाहिए, उप मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार को विशेष राज का दर्जा नहीं चाहिए। आपस में सब जो है लड़ रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ। एक मंत्री कहता है
क्या हम इस्तीफा दे देते हैं? मुख्यमंत्री को भेज दिया मदन सहनी, दरभंगा वाले बोले कि कोई चपरासी तक मंत्री का बात नहीं सुनता। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि शराब माफिया को से मिला हुआ है प्रशासन, किसको बोल रहे हैं? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि थानेदार भी अध्यक्ष का नहीं सुनता है। आप समझ जाइए, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, जनप्रतिनिधियों का जो कहते हैं, सीएम स्पीकर के घर आता है, स्पीकर सीएम के घर आता है, मुख्यमंत्री कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, उप मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, आपस में सब जो है लड़ रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ। एक मंत्री कहता है कि हम इस्तीफा दे देते हैं, मुख्यमंत्री को भेज दिए मदन सहनी, दरभंगा वाले बोले कि कोई चपरासी तक मंत्री का बात नहीं सुनता। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि शराब माफिया को से मिला हुआ है प्रशासन, किसको बोल रहे हैं? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि थानेदार भी अध्यक्ष का नहीं सुनता है। आप समझ जाइए, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, जनप्रतिनिधियों का जो देखिए दोस्त यादव भाषण देखिए, जा रहे हैं दूसरी जगह,